पढ़ेंगे देखो चैप्टर सिक्स का मतलब आप सबको पता है का मतलब है मिट्टी तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरेजन हमारे इंडिया में पाए जाने वाले बहुत तरीके के सॉइल और सॉइल इरेजन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे तो मैक लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स यू ईट टूडे मोस्ट ऑफ द फूड आइटम वी ईट आर मेड फ्रॉम थिंग्स ग्रोन इन द सॉयल और कॉम्स फ्रॉम द एनिमल्स रेस्ट ऑन इट पिक वन फूड आइटम एंड ट्रेस इट सोर्स एंड ऑन विच सॉल सॉयल इट वॉज ग्रोन बहुत सारे खाना हम लोग खाते हैं लेकिन उसका जो मूल पदार्थ जो है वो सॉइल से ही आता है या फिर कोई एनिमल प्रोडक्ट से आता है तो ऐसे कोई भी खाने का नाम यहाँ लिखो और वो कौन से मिट्टी में क्रॉप्स उसको उगाया गया है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पर लिखना है तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस सॉइल एक इम्पोर्टेंट नेचुरल प्राकृतिक संपद है इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रो हमारे अर्थ का सबसे ऊपर का सरफेस जो है जिसमें ट्रीज और प्लांट्स उगाए जाते हैं उस हिस्से को बोला जाता है सॉइल द वी सी अराउंड अस वाज नॉट फॉर्म इन ए डे हम जो सॉयल अपने चारों तरफ देखते हैं ये एक दिन में नहीं बना इट took मिलियन ऑफ years टू फॉर्म सॉयल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स इंटू स्मॉल पीसेस दीज स्मॉल पीसेस आर फॉर्दर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर Particles finally, by the action of climate and living organisms, the topsoil is. फॉर्मंड दिस स्मॉल पार्टिकल आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाई रनिंग वाटर एंड वाइंड ये जो हम मिट्टी देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं बना एक इंच मिट्टी भी बनने के लिए बहुत बहुत साल लग जाते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ये सारे जो मिट्टी हम लोग देख रहे हैं ये बने हैं सॉयल इच फॉर्म बेकिंग ऑफ द रॉक्स इंटू स्मॉल पीसेस पत्थर जो होते हैं उसके छोटे छोटे पीसेस नदियाँ या फिर जल के पानी के स्रोत से बहाकर बहुत जगह से और वाइंड यानी कि हवा से भी बहकर बहुत जगह में बहुत जगह से ब्लो होकर ये आते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस होकर ये स्मॉलर पार्टिकल में हो जाते हैं और इस जो जगह में ये जमा होकर रहते हैं वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और क्लाइमेट के रिएक्शन के वजह से ये मिट्टी में टर्न हो जाते हैं अभी देखो टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड बेस्ट ऑन इट्स वेराइटी फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट इंडिया में इसके फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेट के वजह से बहुत टाइप के सॉयल मिलते हैं उसको सिक्स कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इन इंडिया सॉयल कैन बी कैटागोराइज इनटू सिक्स टाइप यहाँ पे एक इन्फोबेबल दिया गया है देखो सॉइल कॉन्सिस्ट ऑफ़ फोर्टी फाइव परसेंट मिनरल्स ट्वेंटी फाइव परसेंट वाटर ट्वेंटी फाइव परसेंट एयर एंड फाइव परसेंट ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी जो बना होता है उसमें फोर्टी फाइव परसेंट मिनरल्स होते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट वाटर्स होते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट एयर एंड ट्वेंटी फाइव एंड फाइव परसेंट ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ होता है तो इंडिया में जो दिखाई देते हैं सॉइल उसको सिक्स हिस्से में बांटा गया है यानी कि छः तरीके के मिट्टी इंडिया में दिखाई देते हैं फर्स्ट वन इज़ एलोवियल सॉइल यहाँ पे देखो एलिवियल सॉयल का पिक्चर दिया गया है एलिवियल सॉयल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉयल फाउंड इन इंडिया एलिवियल सॉयल जो है इंडिया में पाए जाने मिट्टीओं में से सबसे उपजाऊ मिट्टी है एलिवियल सॉयल इट इज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड अलोंग द कोस्टल प्लेन्स ये ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन में पाया जाता है द द हिमालयन रिवर्स ड्रिंक डाउन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन सिल्ट विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक इट इज रिच इन विथ मिनरल्स एंड न्यूट्रिय एंड रिटर्न मॉइस्चर फॉर लॉन्ग ये जो नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं ये अपने साथ बहुत अमाउंट में सिल्ट बहा के लाते हैं और बहुत सारे रिवर के रिवर के बैंक में जमा हो जाते हैं और ये बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ बनाते हैं ज़मीन को ऑल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स यहाँ में और मॉइस्चर इस मिट्टी में बहुत अमाउंट में होता है ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस शुगर कैन व्हीट पल्सेस ऑयल सीड एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल ये सॉइल में बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जैसे कि राइस सुगर कैन व्हीट पल्सेस एंड ऑयल सीड एंड वेजिटेबल्स बहुत तरीके के यहाँ पे उगाए जाते हैं अभी देखो ब्लैक सॉइल दिस सॉइल इज फाउंड बाय रॉक्स दैट आर मेड एंड एनशियट लावा ये सॉयल जो है वो एनशियट लावा के लावा से बने होते हैं इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर ब्लैक सॉयल इज़ फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड तमिलनाडु ब्लैक सॉयल होल्ड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ब्लैक सॉयल जो है वो उसमें बहुत अमाउंट में मॉइस्चर होता है बिकॉज ऑफ विच इज़ सूटेबल ऑफ फॉर कंट्रीज कल्टीवेशन इसमें बहुत अमाउंट में मॉइस्चर होने के कारण ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है बिसाइड्स कॉटन एंड अदर क्रॉप एज मिलेट सुगर कैन हुइट एंड ऑयल सीड कैन ऑल्सो भी ग्रोन इन दिस सॉयल कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में उगाया जाने वाला मेन क्रॉप्स है लेकिन उसको छोड़ के मिलेट सुगर कैन हुइट ऑयल सीड भी यहाँ पे उगाए जाते हैं उसके बाद आया देखो रेड सॉयल रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया ज़्यादातर साधर्न साधर्न पार्ट में इंडिया के ये सॉयल पाया जाता है साथ ही कौन कौन से स्टेट में तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द मध्य प्रदेश ओडिशा झारखंड एंड सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दिस सॉयल कॉन्टेंट कॉम्पाउंड ऑफ आयरन आयरन के प्रेजेंस की वजह से ये मिट्टी जो है वो लाल कलर का दिखता है इट इज नॉट वेरी फर्टाइल ये उतना भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है लेकिन क्रॉप्स लाइक मिलेट्स पोल्स टोबाको नट्स कैन बी ग्रोन ओनली इन सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ फर्टाइलाइजर इज एडेड ये ज़्यादा ये ज़मीन ज्यादातर ये मिट्टी ज़्यादातर फर्टाइल नहीं होता लेकिन फर्टाइलाइजर डाल में इस डालकर इसमें बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जैसे कि मिलेट पल्स टोबाको ग्राउंड नट्स उगाए जा सकते हैं यहाँ पे उसके बाद देखो आया लेटराइट सॉइल लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक केरला बिहार आसाम एंड मेघालय इट इज़ फाउंड इन एरियाज वेयर 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 दे आर इज़ ए हैवी रेनफॉल ये मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में बारिश होता है इट इज़ पोअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रानुअल इन नेचर ये जो है बहुत इसका इसमें न्यूट्रिशन के अमाउंट बहुत कम होता है द सॉयल इज़ यूज फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी कौन कौन से क्रॉप यहाँ पर उगाए जाते हैं कॉफ़ी कोकोनट टी रबर इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर ग्रोइंग कैश्यूनट्स यानी कि काजू उगाए भी जाते हैं ब्रिक्स मेड फ्रॉम ड्राइड एंड बैक्ट लेटराइट सॉयल आर वाइडली यूज एज बिल्डिंग मटेरियल ये जो इलेटराइट सॉयल होता है इसमें से बहुत सारे ब्रिक्स बनाए जाते हैं और उसके बिल्डिंग बनाने में यूज किया जाता है माउंटेन साइल दिस सॉयल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट इज़ फाउंड इन द फूट हिल्स एंड ईस्टर्न रेंज अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एच जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी इलाके में ये मिट्टी ज़्यादातर पाए जाते हैं माउंटेन सॉयल इज रिच इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस बहुत अमाउंट में होता है ह्यूमस इज ए नेचुरल फर्टिलाइजर ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है फॉर्म फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स विच हेल्प्स टू ग्रो बेटर तो मरे हुए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर सड़े हुए पत्तों से बना हुआ एक नेचुरल फर्टिलाइजर है ह्यूमस ये पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है तो क्रॉप सोचा टी स्पाइसेस एंड फ्रूट आर ग्रोन हेयर डिजर्ट सॉइल डिजर्ट सॉइल फाउंड इन द डिजर्ट रीजन इन राजस्थान ये राजस्थान गुजरात और साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में ये डिजर्ट में ये डिजर्ट सॉइट पाया जाता है दिस सॉइल इज सैंडी एंड ये सैंडी होता है और पोरस बट विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन बट पानी की सुविधा यहाँ पे करने से यहाँ पे भी कुछ क्रॉप्स उगाए जाते हैं जैसे कि बार्ली मैच डेट्स पोल्स एंड कॉटन कैन बी ग्रोन यर